पीरियड को हम मासिक धर्म, माहवारी और एमसी के नाम से भी जानते हैं। पीरियड्स के इरेगुलर होने की प्रॉब्लम महिलाओं में एक आम प्रॉब्लम है। पीरियड का लेट होना, जल्दी आना, पीरियड का मिस होना या फिर बंद हो जाना, इसके कई कारण हो सकते हैं। पीरियड ना आने और मिस हो जाने की सिचुएशन में महिलाओं के मन में सबसे पहले प्रेगनेंसी का ख्याल आता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। सो गाइज, मैं हूँ ईशान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीरियड्स के मिस होने, लेट होने के क्या कारण होते हैं और शादी के बाद पीरियड अगर मिस होता है या लेट हो जाता है तो उसका क्या कारण होता है। चलिए शुरू करते हैं। पीरियड आने में देरी होने पर महिलाओं में स्ट्रेस बढ़ने लगता है और वो पीरियड्स लाने के लिए टैबलेट्स लेने लगती है, और कुछ महिलाएं मासिक धर्म को रेगुलर करने के लिए घरेलू नुस्खों से इलाज करने लगती है। पीरियड बंद होने या फिर लेट होने पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेगनेंसी के अलावा पीरियड के देर होने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन कारणों को जानने से पहले आइए हम थोड़ा सा मासिक चक्र के बारे में समझ लेते हैं। एक नॉर्मल महिला या फिर लड़की का मासिक चक्र 28 दिनों का होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसा सबके लिए ही हो। किसी का 18 से 35 दिन का भी हो सकता है। आपका शरीर प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता है और ऐसा पीरियड के पहले दिन के 14 दिन के बाद हर महीने होता है। 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, और फिर अगर इस दौरान अंडे को कोई स्पर्म नहीं मिलता है तो अंडा टूट जाता है और महिला को उसके 14 दिन बाद फिर से पीरियड होता है। इसलिए महिलाओं का पीरियड होना ओव्यूलेशन होने के दिन पर डिपेंड करता है। इसलिए जिन महिलाओं का पीरियड लेट होता है या देरी से होता है, उनका ओव्यूलेशन 14वें दिन ना होकर 8 से 20 दिनों में होता है। लेकिन अगर आपका पीरियड इससे भी लेट या मिस होने लगे तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसको अगर मैं आसान सी भाषा में बताऊं तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि आपके पीरियड के 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है और उस दौरान अगर अंडे को कोई स्पर्म नहीं मिलता है तो अंडा टूट जाता है और उसके 14 दिन के बाद फिर से पीरियड होता है। लेकिन जब पीरियड के 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है और उस दौरान अंडे को कोई स्पर्म मिल जाता है तो फिर प्रेगनेंसी हो जाती है और उसके बाद पीरियड्स नहीं होते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि पीरियड्स के मिस होने के या फिर लेट होने के क्या क्या कारण होते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आपके पीरियड्स हाल ही में शुरू हुए हैं तो आपको मासिक धर्म में देरी होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लड़कियों को शुरू शुरू में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी के अनियमित मासिक धर्म की प्रॉब्लम होती है जो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, पीरियड डिले होने का एक कारण वजन का बढ़ना भी होता है। मोटापा बढ़ने के कारण शरीर में हार्मोन्स सही तरीके से काम नहीं कर पाते, जिससे पीरियड ना आना या फिर लेट हो जाना जैसी प्रॉब्लम आने लगती है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और योगा के द्वारा अपने वजन को कंट्रोल में रखें। पॉइंट नंबर 3, कुछ महिलाएं तेजी से अपना वेट लॉस करने के लिए डाइटिंग करती है और सब कुछ खाना पीना छोड़ देती है, जिस कारण उनकी बॉडी को जरूरी पोषण नहीं मिल पाते। इसे हम ईटिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। जरूरी पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स न मिलने का बुरा असर मासिक धर्म चक्र पर भी पड़ता है, जिससे पीरियड लेट या फिर मिस होने की प्रॉब्लम होने लगती है। पॉइंट नंबर 4, वजन का नॉर्मल से कम होना भी पीरियड्स प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार होता है। कुछ महिलाओं और लड़कियों का शरीर दुबला पतला होता है, जिससे उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा यानी एडिक्वेट क्वांटिटी में एस्ट्रोजन नहीं बनता है, जिस कारण इरेगुलर पीरियड के लक्षण दिखने लगते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपना वजन बढ़ाकर अपने पीरियड्स की प्रॉब्लम को दूर कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 5, कुछ लड़कियां फिट बॉडी पाने के लिए जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करती है। ऐसी लड़कियों में एमसी लेट या फिर मिस होने की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। कुछ महिलाओं के पीरियड्स पूरा साल बंद रहते हैं, ऐसा जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करने से होता है। इसलिए आप एक्सरसाइज करिए, लेकिन एक लिमिट में। पॉइंट नंबर 6, एमसी न होना या फिर लेट हो जाना और दूसरी पीरियड्स की प्रॉब्लम का एक कारण पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस भी होता है। ये एक डॉक्टरी प्रॉब्लम है जिससे ज्यादा वजन वाली महिलाएं ज्यादा इफेक्टिव होती है। इससे शुगर, बच्चा ना होना और दिल के रोग भी हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, थायराइड का रोग भी मासिक चक्र को इफेक्टिव करता है, जिस वजह से एमसी डिले या फिर मिस होने की प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आपको थायराइड है तो समय समय पर आपको इसकी जांच करवानी चाहिए और इसे ठीक करने के लिए इलाज भी करना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, अक्सर कुछ महिला खिलाड़ी और डांसर लड़कियां अपनी परफॉर्मेंस और स्टैमिना बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस करती है, जिसका बुरा असर उनके एस्ट्रोजन हार्मोन्स पर पड़ता है, जिससे पीरियड मिस होने की प्रॉब्लम आने लगती है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक अच्छी डाइट लेकर और कुछ दिन आराम करके फिर से अपने पीरियड्स नॉर्मल कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 9,
कुछ शारीरिक रोगों का इलाज लंबे समय तक चलता है जिसमें कई तरह की मेडिसिन खानी पड़ती है और ऐसे में पीरियड्स के मिस होने या लेट होने की प्रॉब्लम आम होती है। इसका सॉल्यूशन ये है कि एक बार रोग का इलाज हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली पीरियड नॉर्मल होने लगते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। पॉइंट नंबर 10, अचानक से डेली रूटीन में बदलाव आने से भी पीरियड्स इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जैसे कि कुछ कामकाजी महिलाओं को रात में ड्यूटी करनी पड़ जाए तो उनका सोने जागने और दूसरे सभी काम करने का समय बदल जाता है। इसके अलावा एग्जाम की तैयारी कर रही लड़कियों का सोने जागने का समय अचानक से बदल जाता है, जिसका असर मासिक धर्म चक्र पर भी पड़ता है और उनके पीरियड्स लेट या फिर मिस होने लगते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि शादी के बाद अगर पीरियड्स ना आए तो उसका क्या कारण होता है। शादी के बाद महिला की पारिवारिक जिम्मेदारी तो बढ़ती ही है, लेकिन साथ में शारीरिक और मानसिक बदलाव भी होने लगते हैं, जिससे महिला के शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ने लगता है और इररेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, मैरिज के बाद हार्मोन्स में बदलाव आना ये एक नॉर्मल सी बात होती है। ऐसे में ये जरूरी है कि समय समय पर आप डॉक्टर की सलाह लेते रहें। शादी के बाद पीरियड लेट या मिस होने का पहला कारण होता है प्रेगनेंसी होना। अगर आपने हाल ही में शारीरिक संबंध बनाए हैं तो सबसे पहले प्रेगनेंसी जांच किट से आपको टेस्ट करना चाहिए और अपने प्रेग्नेंट होने को कंफर्म करना चाहिए। शादी के बाद अक्सर महिलाएं गर्भ निरोधक टेबलेट का सेवन करती हैं, इस्तेमाल करती हैं। गर्भ निरोधक दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल का बुरा असर मासिक धर्म के चक्र पर भी पड़ता है। अगर गर्भ निरोधक टेबलेट खाने से आपको माहवारी आने की प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर के बात करें। पीरियड लेट होने का कारण स्तनपान भी हो सकता है, यानी फीडिंग भी हो सकती है। फीडिंग की वजह से भी कुछ महिलाओं में एमसी लेट होने या फिर ना होने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इस दौरान मां के शरीर में हार्मोन्स में बदलाव आते हैं। फीडिंग बंद होने पर पीरियड फिर से नॉर्मल आने लगेंगे, इसलिए इसमें आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं कि पीरियड्स के लेट होने के और दूसरे क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक है स्ट्रेस। मेंटली स्ट्रेस का बुरा असर बॉडी में हार्मोन्स पर पड़ता है, जिससे हार्मोन का संतुलन बिगड़ने लगता है और पीरियड ना आने या फिर लेट आने की प्रॉब्लम होती है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने आप को स्ट्रेस से बिल्कुल फ्री रखें। दूसरा कारण है सफर करने का असर। सफर करने का असर खान पान, रोजाना की जिंदगी और नींद पर पड़ता है, जिससे पीरियड्स लेट हो सकते हैं। अच्छी नींद और डाइट से इसे फिर से आप नॉर्मल कर सकते हैं। पीरियड लेट होने का एक कारण स्मोकिंग भी है। स्मोकिंग करने और शराब के सेवन से भी मासिक धर्म इररेगुलर होने लगते हैं, इसलिए किसी भी तरीके के नशे से आपको दूर रहना चाहिए। पीरियड के लेट होने के कारण का पता चलने के बाद आप उसका इलाज कर सकती हैं घरेलू दवा से भी, और ट्रीटमेंट करने के बाद भी अगर पीरियड नहीं आते हैं तो आपको डॉक्टर से मिलकर बात करनी चाहिए। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि पीरियड्स के मिस होने के या फिर लेट होने के क्या क्या कारण होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।